सो हे भाई लोग, कैसे आप सभी लोग यार। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग तुपारा से ले जा रहे हैं GTA 5। तो भाई यार, आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और मेरी पहली वीडियो ये जिसमें मैंने अपना फेस जो भी रिवील किया। तो भाई यार, आज की वीडियो ना मेरी यादगार रहेगी कि भाई मेरी मेन चैनल पे ना पूरी यूट्यूब जर्नी पे मेरा फेस रिवील 28 जो का पार्ट था ना अपना कंटिन्यू सीरीज का, उसमें हुआ था। तो अभी बहुत तो गलती होगी, बट देखना है कि यार कौन कौन सी गलती होती और भाई हमसे क्या क्या गलती हुई है ना, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि भाई मुझे नहीं पता फेस रिवील में आखिर क्या क्या चाहिए। ठीक है, बट हमने जो यहाँ पे एक छोटा सा लैंप रखा है ब्लू कलर, वैसे तो व्हाइट कलर का, यहाँ पे ना एक उसके ऊपर ब्लू कलर की जो प्लास्टिक की थैली होती ना उसको हमने लपेट दिया है उसके ऊपर। हम लोग चाहते थे कि ब्लू लाइट अपने यहाँ पे आए, यहाँ पे ये देख सकते हो आप लोग को, अभी बंद करके देखते हैं। ये हमने ब्लू लाइट अभी यहाँ पे लगाई है क्योंकि मुझे ब्लू कलर ना बहुत ही पसंद है। क्या होता है ना कि आंखें हमारी नरम रखता है भाई। भाई यार, अभी मजाक को रखते हैं साइड में। और बाकी यार, अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो जल्दी से कर दो। बट इस वाले वीडियो में भाई मुझे पूरे 10 लाइक आने चाहिए। भाई जल्दी से जितने वीडियो देख रहे ना बंदे, जल्दी से भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और छोटा सा अकाउंट नीचे जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑल पे सेट कर दो, ताकि अपनी जो भी रिलेटेड है ना GTA 5 के रिलेटेड वीडियोस वो आपको तुरंत मिलते रहे। तो बाकी चलो भाई, अभी चलते हैं फटाफट से गेम की ओर। तो जैसा कि यार लास्ट वाले एपिसोड में आप सबको पता होगा कि हम लोग काम कर रहे थे डगन बॉस के अंदर और साथ ही में अंडर वाटर माफिया, जो कि दोनों के दोनों अपने जानी दुश्मन है। बट यार लेस्टर में काम करने के लिए कहा था कि उन दोनों के अंडर अगर काम करोगे ना तो हमें जो है उनकी सारी के सारी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिल सकती है। बट यार लास्ट वाली वीडियो में हम जो है अंडर वाटर माफिया के साथ काम करने के लिए गए थे, तो हमें 4 पेंटिंग्स चुरानी थी जो कि थी भाई लॉस्ट बाइकर्स जो थे भाई लॉस्ट गैंग उनके पास से थी। तो भाई यार हमें चारों की चारों पेंटिंग्स तो चुरा ली थी और उनकी कीमत होती है पूरे 4 करोड़ रुपए, और उन 4 करोड़ में से हमें जो है 80 लाख रुपए, जो कि 20% के हिसाब से हमें अंडर वाटर माफिया देने वाला था। बट जब हम उसके पास गए अपने 80 लाख रुपए मांगने के लिए, तो भाई यार उसने अपने ऊपर लिटरली गन तान के रख दी थी और भाई स्टन गन चला के ना हमें पूरा बेहोस कर दिया था। वो सीन के बाद हम लोग डायरेक्ट पहुंच चुके थे, हमें जब होश आया तो हम लोग थे डगन बॉस के घर पे। भाई यार वहाँ पे कुछ अलग ही सीन चल रहा था यार, डगन बॉस की जो आर्मी थी वो अपने ऊपर गन तान के रखी थी, उसके बाद यार बहुत ही खतरनाक सीन हुए थे। और बाकी वहां से हम लोग भाई निकलने का ट्राई भी किया था, तो निकल तो गए थे, बट यार हमें बहुत सारी दिक्कतें आ चुकी थी कि यार हमें गन भी नहीं मिल रही थी। बट यार जैसे तैसे करके हम लोगों ने गन इकट्ठा करके हम लोग भाई अंडर वाटर माफिया और डगन बॉस की जो आर्मी है उनसे लड़ के झगड़ के भाई वहां से फटाफट से निकले। और साथ ही में जो क्वाड्रा देखे ना जो हम लोग अभी लेके आए, वो वाली क्वाड्रा दरअसल अंडर वाटर माफिया और डगन बॉस की है। तो हम लोग भाई लास्ट टाइम जो अंडर वाटर माफिया और डगन बॉस के लिए हम लोग ये कार चुरा के लेके आए थे, बट यार ये कार अपनी है क्योंकि हम लोग चुरा के लेके आए थे डगन बॉस के लिए। ठीक है, तो भाई कहना तो यही पड़ता है भाई कि ये कार अपनी है। तो ये कार हम लोग वहां से जब हम लोग डगन बॉस के घर से निकले थे तो भाई चुरा के ले गए थे। बट यार डगन बॉस की आर्मी भी नहीं तगड़ी है कि यार पूछो मत यार, एक आर्मी को खत्म करो दूसरी आर्मी आ जाती है, दूसरी को खत्म करो तीसरी हेलीकॉप्टर वाली आ जाती है। तो भाई यार लिटरली खतरनाक, पहले जैसे कहते होते भाई नॉर्मल वाली हार्ड वाली एक्स्ट्रा हार्ड वाली, भाई यार ऐसी उसके पास आर्मी है। अभी जो हम लोग भाई छुपाते यहाँ पे आ चुके, ये जो अपना छोटा सा ये कमरा ना भाई वहां पे, क्योंकि भाई यहीं पे अभी हम लोग सेफ है। लास्ट टाइम तो भाई यहीं पे हम लोग रुके थे और हम लोग के भाई कपड़े भी बहुत ही गंदे हो चुके थे। बट यार हम लोगों ने अभी जैसे तैसे करके भाई कपड़े इकट्ठा करके ना भाई डगन बॉस से अभी हम लोग छुप रहे, क्योंकि भाई डगन बॉस से हम लोग नहीं चाहते कि यार डगन बॉस से अगर सामना हो, क्योंकि भाई अपना जो बॉडीगार्ड है ना जो लास्ट टाइम हम लोगों ने भाई लेस्टन हायर किया था, तो भाई उसको हम लोग भाई बंकर में छोड़ के आ गए। अपने जो बंकर है ना अंडर वाटर माफिया से ही हमने भाई हत्या है। बट अभी जो हम लोग ने यहाँ पे लेस्टर को एक छोटा सा लैपटॉप भी ला के दे दिया था ताकि वो यहाँ पे बैठे बैठे अपना काम कर सके, और साथ ही में फ्रैंकलिन को भी इसकी रखवाली करने के लिए यहाँ पे रख दिया था, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि लेस्टर के ऊपर कोई भी भाई दिक्कतें आए। अगर दिक्कत आ गई ना इसके ऊपर तो भाई अपना जो टेक्निकल वाला जो लाइफ है ना भाई वो खतरे में आ जाएगा, तो इसी वजह से मैं नहीं चाहता। बट अभी जो हमें यहाँ से ना पहले तो फटाफट से निकलना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन हो चुके हम लोग को यहाँ पे रहे हुए, और मैं नहीं चाहता कि यार अगर हम लोग यहाँ पे ज्यादा देर रहेंगे ना
तो डगन बोस शायद हमें ढूंढ सकता है। तो मैं काम करता हूँ यार, पहले जो लेस्टर से बात कर लेता हूँ कि आखिर वो क्या कहता है। ऑलराइट गाइस, अभी अपनी लेस्टर से बात हो चुकी है और हमने उसके सारी की सारी बात बताई कि हमें जो यहाँ से अभी निकलना है, क्योंकि अगर हम लोग ज्यादा देर यहाँ पे रहेंगे ना तो दिक्कतें आ सकती है। बट यार लेस्टर ने अभी हमें एक आइडिया दिया है कि कोई ट्रक या फिर कोई भी बड़ी सी चीज लेके आओ जिसमें हम लोग आराम से छुप के जा सकते हैं। तो भाई यार मुझे पहले तो यार ट्रक एक ढूंढना पड़ेगा जिससे हम लोग भाई आराम से उसमें बैठ के जा सकते हैं और भाई किसी को शक ना हो। तो बाकी यार अभी हम लोग ने कपड़े वगैरह तो चेंज कर लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हमें डगन बोस की आर्मी पहचान सकती है। बट हमें जो भाई उनके लिए सेफ्टी बारे में सोचना पड़ेगा, जो अपने साथ है ना लेस्टर और फ्रैंकलिन, उनकी सेफ्टी के बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई उनको ना सही सलामत पहले बंकर तक पहुंचे और बाद में हम लोग भाई सोचेंगे कि यार क्या करना है। बट अभी हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं ना, हम लोग जा रहे भाई एक ट्रक ढूंढने के लिए, या तो भाई कोई बस भी चलेगी। बट मेरे ख्याल से ना मुझे यहाँ पे मिल सकती है क्या, एक सेकेंड, नहीं भाई यहाँ पे तो कोई मुझे पास या कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बट हमें जो भाई यहाँ पे ना देखना पड़ेगा यार, अगर मिल जाती है तो सही है। ओके गाइस, तो भाई यहाँ पे जो एक ट्रक खड़ा हुआ है, तो भाई ये ट्रक वैसे काला पूरा भाई, ये देखो कितना काला है भाई, पूरे का पूरा काला। बट एक सेकेंड भाई, इसका ओनर कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा ना, क्योंकि भाई इसका ओनर होगा सामने और अगर भाई हम लोग इसका ट्रक चोरी करेंगे ना तो भाई पंगा हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि भाई अभी जो है भाई कोई पंगे हो। तो लेट्स गो भाई, अभी इसका ऑनर कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा। और भाई ये अनलॉक होना ट्रक तो ही बढ़िया है, क्योंकि भाई अंदर बैठने के बाद, ओके भाई अनलॉक है अनलॉक है, क्योंकि भाई अंदर बैठने के बाद ना हम लोग भाई कुछ भी जुगाड़ करके ये ट्रक को चालू कर लेंगे। भाई चालू हो गया, लेट्स गो भाई। एक सेकेंड भाई, इसको ना ठोकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा कि यार हम लोग की ड्राइविंग स्किल जो है ना भाई वो तगड़ी होगी। पर एक सेकेंड भाई, इसको क्या हो गया, चल ओके 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 भाई आगे चल भाई, इससे ना अपनी ड्राइविंग स्किल बहुत ही तगड़ी होने वाली है। बट भाई ये ट्रक ड्राइवर अभी हम लोग बन चुके, तो हमें भाई पहले तो ना फटाफट से यहाँ से भाई ये ट्रक, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ एक सेकेंड, हेलो ओ पैस की भाई साहब, यहाँ पर भाई एक ट्रक पड़ा हुआ है और हम लोग बाहर ढूंढने के लिए जा रहे हैं भाई साहब। पर एक सेकेंड, नहीं भाई नहीं 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 भाई, इस ट्रक में ना अपनी गाड़ी नहीं आ सकती, तो ये वाले ट्रक में तो बिल्कुल ही आसानी से आ जाएगी भाई अपनी गाड़ी, क्योंकि ये देखो इसका पिछवाड़ा इतना बड़ा है ना कि भाई आसानी से आ जाएगी अपनी गाड़ी इस ट्रक में। तो बाकी यार लेट्स गो, अभी फ्रैंकलिन से और ये दोनों यहीं पे खड़े हैं भाई, लगता है कि बोली तैयारी में, जैसे ही ट्रक आएगा निकाल लेंगे, काट लेंगे यहाँ से। चलो भाई, ऑलराइट गाइस, अभी हमने लेस्टर से बात हो चुकी है और लेस्टर कह रहा है कि ये जो मिशन है ना हम दोनों को बंकर तक छोड़ने का, ये वाला मिशन जैसे ही खत्म होता है तुम्हें जो है दूसरे मिशन पे जाना है और वो है रेसिंग टूर्नामेंट। तो भाई रेसिंग टूर्नामेंट, अभी पता नहीं यार वो हमें क्यों रेसिंग टूर्नामेंट में जाने के लिए बोल रहा है। बट यार वो ऐसे ऐसे तो कुछ कहेगा नहीं कि भाई जाओ रेस जीत के आओ, बट उसमें भाई जरूर कुछ छुपा होगा यार। पर देखते हैं यार, पहले इन दोनों को भी हम लोग बंकर तक तो छोड़ के आ जाए, बट बाद में देखते हैं कि यार कहाँ पे वही वो रेसिंग टूर्नामेंट है और भाई क्या है जीतने में प्राइज और वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पहले तो यार हमें अपनी गाड़ी को ना इस ट्रक के अंदर लोड करना है। तो फ्रैंकलिन चल भाई आ जा। ऑलराइट गाइस, अभी फिलहाल हम लोगों ने अपनी गाड़ी को भाई पीछे के एरिया में भी रख दिया और बाकी लेस्टर को जो यहाँ पे पीछे भाई खड़ा कर दिया है, क्योंकि भाई वो लोग जो डगन बॉस वो भाई लेस्टर को पहचानते हैं क्योंकि भाई उनको किडनैप कर चुके हैं। सो हम लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। बट फ्रैंकलिन जो अपने साथ आगे बैठेगा, अगर बाई चांस कोई दिक्कत वाली बात हुई भाई कि डगन बॉस की आर्मी आ गई, तो भाई पंगा तो हम लोग करेंगे भाई। अगर वो लोग अटैक करेंगे तो हम लोग भी छोड़ने वाले नहीं। बट फिलहाल के लिए अभी हम लोग भाई थोड़ी देर के लिए शांत रहते और भाई दरवाजे को करते बंद, क्योंकि ऑलराइट तो ये पे दरवाजा बंद कर देते। राइट, ये लेस्टर टाटा भाई। ऑलराइट गाइस, लेट्स गो भाई। चलो भाई अभी जो इस ट्रक में ना आराम से इस ट्रक को निकालते, क्योंकि भाई यार मुझे नहीं लगता कि हमें जो भाई आराम से यहाँ से जाने देंगे वो लोग, क्योंकि हम लोगों ने क्वाड्रा कार चुराई है डगन बॉस की। बट लिटरली तो वो मेरी है, ये ना संभाल के ले जाना पड़ेगा। बाकी ये देखो यार, हम लोग ने भाई गाड़ी ना पीछे के साइड रखी है, तो ये ट्रक कितना भारी हो चुका है, लिटरली बहुत सारा भारी। ओ भाई साहब एक सेकेंड, भाई ये क्या हो चुका है भाई, एक सेकेंड, हेलो हेलो हेलो। ऑलराइट, हमें जो भाई इस ट्रक को ना बिल्कुल ही आराम से ले। ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग फिलहाल जो हाईवे के ऊपर चलने वाले हैं और हाईवे के ऊपर चलने के बाद ना हम लोग इतनी फुल स्पीड में गाड़ी भगाएंगे कि किसी के हाथ में नहीं आने वाले,
बट एक सेकेंड भाई, ये पुलिस वाले किसके पीछे लग गए भाई? यार आज लगने वाले है बिल्कुल ही। हम लोग भाई अभी मदद नहीं कर सकते, वरना मदद कर देते बेचारे पुलिस वाले की। तो ये देखो कितनी चेसिंग कर रहा है। बट अभी एक काम करते यार, थोड़ी देर के लिए ना यहाँ पर रोकते हैं गाड़ी को, और भाई आराम से चाय वगैरह पीते हैं, क्योंकि ये होटल ना बहुत ही बढ़िया है। तो भाई इनके यहाँ की चाय पी के जाते हैं। ऑल राइट गाइस, यार यहाँ की भाई अभी की कॉफी यार कुछ जमी नहीं भाई। मुझे पता नहीं यार कैसे भाई, पेट में अभी गुल गुल हो रहा है। बाकी यार चल भाई फ्रैंकलिन जल्दी से बैठ, वरना भाई लेस्टर जो है पीछे भाई, उसको तो हमने कुछ कहा ही नहीं। छोड़ो भाई छोड़ो छोड़ो, वो भाई आराम से मेरी गाली से सो रहा होगा। बट भाई एक काम करते, पीछे हम नहीं लेते, आगे सीधा भाई भगाते, क्योंकि यहाँ इसे ना टर्न मारते, वरना भाई पीछे लेंगे तो दिक्कत वाली हो जाएगी। एक सेकेंड, ऑल राइट। वैसे तो हम लोग भाई ड्राइविंग में तो प्रो है, बट भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने चाहिए। बाकी यार ये इतना हैवी ट्रक हो चुका है, लिटरली यार हमने क्वाड्रा कार इतनी हैवी है ना कि भाई मान लो यार एक टन की गाड़ी होगी होगी। ऑल राइट गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं अपने बंकर में, जो कि हम लोगों ने अंडर वाटर माफिया के पास से हथियाया था। बट अभी जो हम ट्रक लेके आए थे ना भाई, जिसमें अपनी गाड़ी को और साथ में लेस्टर को भी लेके आए थे, वो वाला ट्रक हमने वहां पे खड़ा कर दिया, क्योंकि ये जो आपको पाइपलाइन ऊपर दिख रही है ना, ये भाई प्रॉब्लमेटिक हो रही है, यहाँ पे वो ट्रक यहाँ पे आ नहीं रहा है। तो इसी वजह से हम लोगों ने वो ट्रक वहां पे रख दिया। बट हम लोगों ने जो अपनी क्वाड्रा कार है ना, जहां से हम लोग डगन के घर से चुराई थी, वो कार को हम लोग यहाँ पे लेके आ चुके। सो भाई ये तो यहाँ पे आ चुकी। बट अभी जो हमें भाई लेस्टर से एक बात करनी है, वो कुछ कह रहा था जब हम लोग उसे लेके आ रहे थे ना, कि एक रेसिंग टूर्नामेंट है जिसमें हमें पार्टिसिपेट करना है, और पार्टिसिपेट करने के बाद अगर हमारा रैंक आएगा तो भाई एक बंदा हमें एक चीज देगा, तो हमें वो लाके लेस्टर को देनी है। बात अभी लेस्टर से बात करते हैं। पर भाई एक सेकेंड, हेलो, जब से हम लोग यहाँ पे आए ना भाई, फ्रैंकलिन कुछ यार ख्यालों में सोया पड़ा है भाई, ये कुछ सोच रहा है मेरे ख्याल से। बट अभी जो भाई इसका ध्यान हमारी तरफ है ही नहीं। ये देखो भाई, हम लोग इसके आसपास घूम रहे ना, इसका ध्यान अपनी तरफ है ही नहीं। ये कुछ देख रहा है भाई, ये अपनी क्वाड्रा कार तो नहीं देख रहा है, शायद सोच रहा है कि ये कार अपनी हो जाती तो कैसा होता। बट भाई ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे यार, ये क्वाड्रा कार अपनी है। बट अगर ये भाई अपने को तगड़े पैसे देगा ना, तो हम लोग भाई ये क्वाड्रा कार दे सकते हैं, इसको सोचेंगे, ठीक है। बट अभी जो भाई, पर मुझे नहीं लगता कि यार ये इसके बारे में सोच रहा है, क्योंकि भाई इसके पास भी वैसे तगड़ी तगड़ी गाड़ियां है। पर लगता है यार कुछ लड़की का चक्कर है बाबू भैया, लड़की का चक्कर। बट यार छोड़ो भाई, इसको भाई ख्यालों में इसको पड़े रहने देते। बट यहाँ पे ये लोग कुछ डांस वगैरह कर रहे हैं, या फिर डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई, ट्रेवर और लेमर। भाई यार मुझे तो लगता है कि यार पार्टी कर रहे हैं, कि हम लोग जब रेस जीत के आएंगे ना, तो शायद से पार्टी करने की सोच रहे ये लोग। बट अभी जो हम लोग भाई ऐसा कुछ सोच नहीं रहे, हम लोग सोच रहे कि आखिरकार जीतने के ऊपर हमें क्या प्राइज मिलेगा ना, वो हम लोग सोच रहे। पर यार ये वाला जो टैंक है, हम लोग इसको भी बाहर निकालने की सोच रहे यार। पर हमें जो इसकी थोड़ी मरम्मत करनी पड़ेगी, इसके कलर वगैरह जो ये चेंज करने पड़ेंगे। इसको हम लोग भाई आर्मी वालों के पास से लेके तो आ चुके, बट हम लोग ने उसके बाद से, जब हम लोग यहाँ अंडर वाटर माफिया का बंकर हथियाने के बाद ना, इस टैंक को यहाँ से बाहर ही नहीं निकाला है। सो भाई एक काम करते यार, इसको ना हम लोग लस्टर से कैमरा कर यहाँ पे ना थोड़ा कलर वगैरह लगा देंगे, ताकि यार कोई पहचान में ना आए कि हम लोगों ने ये आर्मी वाले के बांस से चुराया था। और यार इन सारी बातों को भी रखते हैं फिलहाल साइड में, और बात करते हैं लेस्टर से कि यार वो रेसिंग टूर्नामेंट आखिर किस तरह से जीतना है। पर भाई यार ये देखो, इसके पास आखिर कितने सारे लैपटॉप है, और साथ ही में 3 कंप्यूटर है भाई। ये देखो 1 2 3 कंप्यूटर लिटरली यार अपने पास एक ही है, और वो भी भाई पुराना वाला। इसमें यार हम लोग GTA 5 को बहुत ही खराब तरीके से चला रहे भाई। तो एक लैपटॉप भाई लेस्टर प्लीज हमें दे दे, ताकि हम लोग अल्ट्रा HD में भाई GTA 5 खेल सके। पर भाई यार अभी इन सारी बातों को रखते हैं साइड में, और फिलहाल बात करते हैं यार वो रेसिंग टूर्नामेंट आखिर कहाँ पे, और उसमें जीतने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सो लेट्स गो गाइस, अभी हम लोगों ने लेस्टर से बात कर लिया, और लेस्टर कह रहा है कि वो जो टूर्नामेंट है ना, रेसिंग टूर्नामेंट, उसमें जो है भाई सुपर कार अलाउ है। तो भाई अपने पास ये क्वाड्रा कार है, वो भी सुपर कार में आती है या स्पोर्ट कार में, मुझे नहीं पता। बट अगर भाई हम लोग वहां पे अगर पूछेंगे ना कि यार ये किस में आती है, तो शायद से ना वो सुपर कार कह देगा, तो हम लोग भाई क्वाड्रा कार को अलाउ कर सकते हैं। बट अगर भाई ये सुपर कार में नहीं आएगी, तो भाई वो जो बंदा हमें गाड़ी देगा ना, वही हमें यूज करके भी रेस जीतनी पड़ेगी, और
कोई भी हालत में भाई हमें रेस तो जीतनी पड़ेगी फट। अभी जो है भाई ये कार ना अपनी सुपर कार में आ गई तो ही सही है। पर एक काम करते यार, अभी जो फ्रैंकलिन को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि भाई अगर कोई वहां पे पंगा वंगा हो गया ना, बट होगा तो नहीं मेरे ख्याल से, तो भाई वहां पे रेस हमें सिर्फ जीतनी है। बट रेस जीतने के बाद अगर कोई बंदा भाई सटिया गया या तो अपने पे हमला कर दिया, तो भाई कोई कह नहीं सकते। हमें जो है भाई सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी ना, तो हम लोग फ्रैंकलिन को साथ ले जाते। बाकी यार चलना भाई, वो चल 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 आ जा भाई, क्या क्या कर रहा है भाई, चलना रेस में जाना है और भाई जीत के आना है, लेट्स गो। और बाकी हमने लेस से ये भी पूछा कि यार वो रेस जीतने पे हमें क्या मिलेगा, यार तुम ये रेस हमें क्यों करवा रहे हो? तो कह रहा है कि यार वो रेस तुम जीतोगे ना, तो वो जो बंदा है जो कि रेस को ऑर्गेनाइज किया है ना, वो बंदा जो है वो तुम्हें एक ब्रीफ केस देगा, तो वो ब्रीफ केस को लेके आना है। भाई हम लोगों ने ट्रक को ना बिल्कुल ही खतरनाक तरीके से भाई रखा है, बट हम लोगों को निकलना तो पड़ेगा कुछ भी करके। ऑल राइट, तो हम लोग कह रहे थे कि जिस बंदे ने रेस ऑर्गेनाइज किया ना, वो बंदा हमें एक ब्रीफ केस देगा जो कि हमें ला के देना है लेस्टर को। बट अभी मेन मुद्दा ये है कि हमें पहले तो भाई रेस जीतने, और रेस जीतने से पहले हमें भाई ये कन्फर्म करना है कि ये अपनी क्वाड्रा कार है वो भाई किस में आती है यार, अगर सुपर कार में आती है या स्पोर्ट कार में, तो वहां पे जाके ही पता चलेगा कि आखिर ये कार किस में आती है। तो लेट्स गो भाई, वो रेसिंग टूर्नामेंट जहाँ पे हो रहा है ना वहाँ पे, और वहीं पे जाके हमें पता चलेगा कि ये कार आखिर कौन सी है। तो लेट्स गो भाई। सो ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं उस वाले लोकेशन में जहाँ पे अभी रेस हो रही है। पर ये रेस ना भाई ऑफ रोडिंग नहीं है बल्कि हाईवे रेस है, क्योंकि भाई यहाँ पे ना सुपर कार की रेस है, तो भाई सुपर कार का टेस्टिंग कहाँ पे होता है भाई, हाईवे के ऊपर ही। बट अभी भाई हमें पता लगाना है कि ये कार आखिर कौन सी है। बाकी यार ये देखो यहाँ पे कितनी सारी गाड़ियाँ आई हुई है, मेरे ख्याल से भाई ये सारी की सारी ना सुपर कार सी है। बट फिलहाल पहले हमें ये जानना है कि यार ये अपने ये जो क्वाड्रा है आखिर स्पोर्ट कार है या सुपर कार। तो पहले तो हमें जो भाई रेस का जो ऑर्गेनाइजर है ना, उससे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी के द्वारा हमें जो है भाई रेस में एंट्री मिलेगी। बट अभी जो है भाई मेरे ख्याल से यहाँ पे बीचों बीच जो खड़ा है ना, उनमें से शायद रेस ऑर्गेनाइजर है, पर चलो भाई इनसे बात ही कर लेते हैं। सो ऑलराइट गाइस, अभी यार हम लोगों ने ना ये अपनी गाड़ी है क्वाड्रा, उसको ना फुल्ली भाई सारे के सारे दरवाजे खोल दिए, पीछे का भाई हुड जो है भाई वो भी खोल दिए, क्योंकि भाई ये बंदे कह रहे हैं कि हमें जो पहले तो गाड़ी देखनी पड़ेगी, गाड़ी देखने के बाद हम लोग कहेंगे कि ये स्पोर्ट कार है या सुपर कार। बट भाई मुझे तो लगता है कि भाई ये सुपर कार ही है, क्योंकि भाई ये देखने से ही भाई ऐसी लग रही है कि भाई सही है। पर भाई मेरे ख्याल से तो भाई इनको ना एक बार टेस्टिंग कर लेने देते। बाकी एक काम करते यार, फ्रैंकलिन को यहाँ पे खड़ा रख के ना हम लोग थोड़ी देर के लिए भाई थोड़ा यहाँ पे घूम के आते। सो ऑलराइट गाइस, अभी जो है भाई हम लोग ना थोड़ी कॉफी या चाय पी के आते। बट एक सेकंड भाई, ये आवाजें क्या आ रही है भाई, गिटार की और तबले की भाई, एक सेकंड। हेलो भाई, यहाँ पे तो भाई पूरा भाई माहौल ही तगड़ा वाला है भाई। ये देखो भाई ये बंदा क्या है तगड़े तरीके से डांस कर रहा है भाई, हमें भी डांस करने का भाई मजा आ गया। एक काम करते भाई थोड़ा वगैरह डांस करके देखते हैं यार कितना मजा आता है इसमें तबले में। आ भाई, और भाई, और भाई, आ भाई, वाह भाई, वाह भाई, वाह, क्या बात है यार, तगड़े तरीके से हमारा डांस तो वैसे हमें भाई आ रहा है, भाई आ रहा है ठीक से डांस हमें आ रहा है। बाकी यार बहुत ही मजा आ रहा है यार, हम लोग सोच रहे यार यहीं पे रुक जाए, पर हमें जो पहले रेस जीतनी है यार, रेस जीत के हमें लेस्टर के पास भी जाना है। तो एक काम करते हैं यार, छोड़ो भाई छोड़ो, इसको छोड़ो भाई, अबे चल भाई, पता नहीं यार ये माइकल चिपक गया भाई। बट भाई एक यार चीज मेरे को अच्छी नहीं लगी यार, यहीं पे कहीं पे भी यार चाय या कॉफी का इंतजाम नहीं है, क्योंकि भाई इतनी तगड़ी रेस है तो भाई चाय इंतजाम होना ही चाहिए यार। बट यहाँ पे थोड़े फोटो सेशन करवा लेते, क्या कहते हो? एक सेकेंड भाई, अपनी भी फोटो खींच ले, एक सेकेंड एक सेकेंड, मैं पोज देता हूँ ठीक है, एक सेकंड भाई। इस वाले बंदे के पास नहीं, ये वाला बंदा कुछ ठीक फोटो खींच रहा है मेरे ख्याल से। सो भाई ये ले भाई, ये ले मेरे भाई, फोटो अभी बढ़िया सा आना चाहिए ठीक है, ये पोज बहुत ही बढ़िया दिया है मैंने, फोटो एकदम मक्खन की तरह आना चाहिए। बाकी यार मेरे को अभी व्हाट्सअप कर दियो, तब तक मैं मेरी गाड़ी को देख लेता हूँ ठीक है ब्रो। सो ऑल राइट भाई, तो अभी जो इन लोगों का ना इंस्पेक्शन जो है वो खत्म हो चुका है, और भाई इस कार को सुपर कार की कैटेगरी में अभी डाल दिया गया है, क्योंकि भाई ये मैं तो पहले से ही कह रहा था यार कि ये सुपर कार की कैटेगरी में आती है। बट भाई इन लोगों को चेकिंग करने में क्या प्रॉब्लम है यार, चेकिंग करने देते ताकि यार उनका भी शक दूर हो जाए। सो लेट्स गो भाई, अभी हम लोग इसके साथ रेस कर सकते, वरना भाई इनमें से ना हमें कोई गाड़ी लेनी पड़ती, और वो भी भाई उनको भाई पैसे दे के, वरना वो बंदे ना अपने को देते ही नहीं यार, उनको तो भी रेस करनी ना, पता है ना यार ये रेस तो भाई जीत जाएंगे तो बंदे को कुछ ना कुछ तो मिलेगा। बट हमें जो है भाई इनाम के तौर पे ये बंदा
पूरे 50,000 रुपए भी देगा यार अगर हम लोग जीत गए तो, और अगर सेकंड नंबर आया तो 10,000 रुपए, बट हमें जो फर्स्ट रैंक लाना है, क्योंकि अगर जब हम फर्स्ट रैंक लाएंगे ना तो ये बंदा हमें एक ब्रीफ केस देगा जो कि भाई फर्स्ट नंबर वाले को ही मिलेगा, बट हमें जो पहले फर्स्ट नंबर लाना है। तो भाई लेट्स गो, अभी यार पहले तो रेस्ट को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो लेट्स गो भाई, अभी रेस्ट स्टार्ट हो रही है और ये गो। और भाई यार हमने जो अपने 1,000 रुपये इसमें लगाए, क्योंकि भाई यार हमें पता है यार हम लोग शायद जीत सकते हैं भाई, अगर जीत गए ना तो हमें जो पूरे 7,000 रुपये मिलेंगे जो कि भाई इन बंदों में से ना लगाए। बट एक सेकेंड भाई साहब, वो गाड़ी देखी यार आप लोगों ने कैसे तगड़े तरीके से गई। बहुत ही तगड़े तरीके से जा रहे भाई बंदे, बट हमें जो अभी भाई कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, हमें जीतनी है रेस, ठीक है, सो लेट्स गो। वैसे तो भाई तगड़ी तगड़ी गाड़ी है सारी की सारी, बट हमें तो लगता है कि यार हम लोग जीत सकते हैं यार। बाकी ये देखो यार सारे के सारे बंदे अभी नाइट्रो यूज़ कर रहे, बट हम लोग के पास भी है, हम लोग अभी यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग देखेंगे यार कि अपनी क्वाड्रा वैसे कितना पावर हॉर्स पावर जनरेट कर सकती है, और बाद में हम लोग लास्ट टाइम में यूज़ करना है तो करेंगे भाई, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग कोई भी पावर का यूज़ करके ना हम लोग रेस जीते। लास्ट टाइम में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो पहले देखते हैं यार वैसे कितनी पावर ये जनरेट कर सकती है। तो ये देखो भाई 240 तक तो ये पहुंच चुकी है, बट अभी हमें जो भाई कांच में कुछ दिख नहीं रहा है, सो मेरे ख्याल से हमें जो भाई पार ही थर्ड पर्सन वाला यूज़ करना पड़ेगा। और भाई अपने आगे ना दो बंदे अभी है जो भी बहुत ही दूर है, सो हमें भाई पहले ना फटाफट से भाई गाड़ी को भगाना पड़ेगा भाई साहब, भाई उसको कैसे उड़ाया यार। बट एक सेकेंड, ऑल राइट, वो बंदे बहुत ही आगे निकल चुके हैं भाई, इतनी आगे ना तुम लोग मत जाओ भाई, क्योंकि जीतने वाले हम ही हैं। ऑल राइट, एक सेकेंड, हम लोग भाई बिल्कुल ही आराम से यहाँ से भगाएंगे। और भाई अपने पास जो भाई कैमरा है वो भाई क्या कहते हैं ना, हेलीकॉप्टर व्यू भी है, देखो ऊपर अपने हेलीकॉप्टर भी है, तो हम लोग हेलीकॉप्टर व्यू भी कर सकते हैं। ये देखो भाई अभी आ चुका, बट हम लोग ये यूज़ नहीं करेंगे भाई, क्योंकि अगर हम लोग ने ये यूज़ किया ना तो हम लोग को सब ठीक से दिखेगा नहीं। और ये अभी हम लोग बातों में भाई पहले नंबर पे आ चुके हैं, सो लेट्स गो भाई। अभी मुझे लगता है कि यार ये रेस तो ना हम लोग ही जीतेंगे, बट एक सेकेंड भाई यार इतना ट्रैफिक है ना हाईवे के ऊपर, यार पता नहीं सकता मैं कितना सारा हाईवे। ये देखो भाई हम लोग को ना गाड़ी ध्यान से चलानी पड़ेगी, क्योंकि यार अगर जरा से भी छू गई ना तो हम लोग की गाड़ी वहीं पे भाई घूम जाएगी और वो बंदे आगे निकल जाएंगे। एक सेकेंड ओ भाई साहब, एक सेकेंड भाई हम लोग अभी भाई दूसरे रोड पे आ चुके हैं। लिटरली यार कैसे हमने टर्न मारा ना, मुझे लगा कि यार अपनी गाड़ी वहाँ पे ठुक जाएगी, बट हम लोग वैसे तो भाई हैवी ड्राइवर यार, आराम से गाड़ी कहीं से भी निकाल लेते हैं। बट अभी जो हमें भाई पहले रेस जीतनी है, अगर ये रेस हम लोग जीत गए तो हमारा 1,000 जो बैट में लगा है और 7,000 जो कि दूसरे बंदों ने लगाए वो हमें मिल सकते हैं, और साथ ही में 50,000 अलग से मिलेंगे जो कि रेस ऑर्गेनाइजर ने दिए भाई। तो लेट्स गो, अभी फिनिश लाइन पास ही में, तो एक काम करते हैं नाइट्रो का ट्राई मारते हैं। ये गया नाइट्रो, ओ भाई, गलत टाइम पे यूज़ किया भाई, गलत टाइम पे। और ये आ गया, अभी हमें यहाँ से ना टर्न लेना है बिल्कुल ही। ऑल राइट भाई, ये देखो भाई सारे के सारे अभी बंदे आ चुके, हमें पहुँचना है भाई, ये जीत गए हम लोग भाई। और लास्ट टाइम में हम लोग भाई टाइम से पहुँच गए, वरना भाई वो देखो बंदे अभी आ रहे हैं, वो देख लो भाई, ये बंदे भी आ रहे भाई, अगर हम लोग थोड़ा सा भी देर कर देते तो ये बंदे आ गए होते, हम लोग हार जाते भाई। बट अभी हम लोग रेस जीत गए भाई, इसकी खुशी तो बनती है। सो लेट्स गो, अभी उस बंदे से बात करते हैं कि आखिर अपना ब्रीफकेस कहाँ है और अपने 57,000 आखिर कहाँ पे, लेट्स गो। सो ऑलराइट गाइस, यार अभी जो अपना फोटो सेशन हो रहा है, क्योंकि भाई हम लोग फर्स्ट आ चुके हैं ना, बट हम लोगों ने 57,000 जीत चुके हैं डॉलर भाई, और साथ ही में अपने पास जो ये ब्रीफकेस भी आ चुका है जो कि ये रेस ऑर्गेनाइजर ने दिया है, और इसने ये भी कहा कि ये जो है टॉप सीक्रेट रहना चाहिए, और जिसने भी ये तुम्हारे पास मंगवाया है ना उसी बंदे को ये मिलना चाहिए। सो भाई यार लेस्टर का शायद इसको पता होगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बट इसने जैसा कहा है भाई वैसा ही हमें करना है। सो लेट्स गो भाई, अभी अपना ना थोड़ा फोटो सेशन करवा लेते हैं। बाकी यार ये देखो भाई, एक सेकेंड, हेलो हो भाई साहब, यार ये देखो पैक भाई नोट करेंसीज उड़ा रहा है। ये देखो भाई यार उड़ाता तो भाई असली उड़ाता, अपने जेब में से निकाल और उड़ा भाई, बट ठीक है यार वैसे उड़ा तो रहा है, नकली तो नकली, ठीक है। बाकी यार वो देखो यार सारे के सारे बंदे जो अपने में जिनको भी जलसी हो रही है ना भाई,
वो बंदे अपने आप में लगे हुए, बाकी वो बंदा तो भाई डांस ही कर रहा है। बट यहाँ पे ये देखो यार, इस लैम्बोर्गिनी की हालत कितनी खराब हो चुकी है यार, इसके लिटरली कांच फूट चुके। और इस बंदे से हमने बात की, ये इस कार का ओनर है ना, उसने कहा कि यार इस कार का इंजन ना अभी धीरे धीरे खत्म हो रहा है यार, क्योंकि ये जब टकराई थी ना ट्रक से तो भाई इसका इंजन जो है थोड़ा बहुत खराब हो चुका है। बट अभी यार हमें इससे कुछ लेना देना है, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है अपनी कार को जो अपग्रेड करवा के ना, इसका आर्मर जो इतना तगड़ा करवा लिया था, तो भाई इसको कुछ डैमेज ही नहीं आया, क्योंकि भाई हम लोगों की कार भी वैसे देखी जाए तो कई जगह पर टकराई थी, बट इसको ज़्यादा डैमेज नहीं है। और इसमें एक हीलिंग पावर है यार, कि जैसे ही भाई कोई टकराता है उसके 1 घंटे के बाद ये अपने आप हील कर जाते हैं, तो अपनी कार में ऐसा एक पावर जो भाई लगाया हुआ है। सो बाकी यार अभी चलो बाकी यार लास्ट से मिलने के जाते हैं, क्योंकि भाई ये ब्रीफ केस ना उसी को हमें देना है। बाकी यार चल भाई चल फ्रैंकलिन भाई, अभी नकली नकली नोट उड़ाना बंद कर और चल भाई ये मेरी मदद कर भाई ये 57,000 का उठाने में। ऑलराइट गाइस, अभी फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं अपने बंकर के अंदर। और बाकी यार हम लोगों ने ना ट्राई की था कि ये ब्रीफकेस को ना ओपन किया जाए, पर भाई यार ये लॉक्ड है और इसका पासवर्ड जो है भाई वो शायद लेस्टर को ही पता है, क्योंकि भाई वो पासवर्ड के बगैर ये ब्रीफकेस ओपन नहीं होगा। तो भाई एक काम करते हैं यार, जब लेस्टर ओपन करेगा तब देखेंगे। बट 1 सेकेंड भाई, ये दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मुझे लगता है कि भाई पार्टी वगैरह शायद ये अभी भी कर रहे हैं भाई, क्योंकि इनको शायद अभी पता लग गया है कि हम लोग जीत चुके हैं। पर भाई उनको छोड़ो यार, हमें पहले तो यार पता लगाना है कि आखिरकार ये ब्रीफ केस में आखिर है क्या। ऑल राइट भाई लोग, तो अभी अपनी लास्टर से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि इसके अंदर जो है एक तगड़ी इन्फॉर्मेशन है, जो कि ह्यूमन लैब जो है उसके बारे में यार टॉप सीक्रेट वाली है। बट इसके अंदर से जो इन्फॉर्मेशन निकलेगी उसके बारे में अगर हम लोग को ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी ना तो बहुत ही मजा आएगा यार। अभी जो है वो उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, पर अभी हमें पता नहीं ठीक से यार कि वो कौन सी रिसर्च कर रहा है। तो अभी तो यार मेरे ख्याल से फ्रैंकलिन जो यहाँ पे इनकी महफिल में शामिल हो चुका है, तो अभी यार चलो भाई चाहते यार हम लोग बाहर यार और घर जाते यार। एक काम करते यार, कितने टाइम हो गया हम लोग जब से ढक्कन बॉस के अंडर काम कर रहे ना, तब से हम लोग भाई घर ही नहीं गए, पर अभी हम लोग जो है भाई डगन बॉस के जंगलों से आजाद हो चुके। सो लेट्स गो भाई, अभी जाते हैं घर और देखिए यार आखिर अपनी फैमिली का क्या हाल चाल है। सो लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, तो यार जैसे कि मैंने कहा कि यार डगन बॉस के अंडर जाने के बाद हम लोग भाई घर आए ही नहीं थे तब से, बट आज जाने के बाद हम लोग देखेंगे यार कि आखिर अमेंडा जिमी और ट्रेसी का रिएक्शन क्या होगा। बट 1 सेकेंड, और भाई गाड़ी साइड में से हटाना भाई यार, यहाँ पे कौन सा ट्रैफिक रूल लगा है जो यहाँ पे खड़ी कर दे। और बाकी देखेंगे कि यार 1 सेकेंड भाई 1 सेकेंड, हेलो भाई ये पुलिस वाले यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई अपने घर के बाहर? भाई यार 1 सेकेंड, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जिमी या अमेंडा को कुछ हो तो नहीं गया ना? 1 सेकेंड भाई 1 सेकेंड भाई, मुझे गाड़ी ना यहाँ पे रोक के देखना पड़ेगा। 1 सेकेंड यहाँ पे ना गाड़ी पार्क कर देते हैं यार, दूर से देखते हैं यार कहीं हमें पकड़ने भी आ सकते हैं यार, क्योंकि भाई यार हम लोगों ने पिछले टाइम बहुत सारे भाई गुनाह किए, तो शायद से अभी उन लोगों को शायद पता तो नहीं चल गया कि आखिर ये हम ही है भाई। 1 सेकेंड यहाँ से शायद दिख सकता है मेरे ख्याल से, बट यार अगर हमें पकड़ने के लिए आइए ना तो भाई यार हमारे पक्के भाई लगने वाले। ये देखो भाई यहाँ से तो दिख रहा है, बट भाई 1 सेकेंड यार इतने सारे पुलिस वाले आखिर अपने घर में कर क्या रहे? हेलो गाइस, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। बट अभी गाइस यार हमें नहीं पता कि यार पुलिस वाले अपने घर पे क्यों आए। सो गाइस मुझे तो अभी लगता है कि यार कोई बड़ा सा पंगा हो चुका है यार। सो भाई लोग अभी जो वीडियो को यही पे करते हैं, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, नीचे जो लाल कलर का चमचमाता सब्सक्राइब का बटन है उसे भी जल्दी से दबा दो और साथ में बेल आइकन को भी ऑन पे सेट कर दो यार। तो बाकी अभी मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक सोचते रहो यार कि माइकल के घर पे आखिर पुलिस वाले आखिर कर क्या रहे इतने सारे, वो भी जो तो कोई तगड़ा पंगा लग रहा है। सो बाकी अभी मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।